खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पुलिस ने चोरी और नकाबजनी की घटनाओं को 36 घंटे में खुलासा कर दिया है। साथ ही मामले में एक छात्र चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अभियुक्त ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में डेयरी में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार चोर की खोजबीन की। मामले में पुलिस ने आरोपी मोहित डिसूजा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 लाख रुपये बरामद हुए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। थाना नेहरू कॉलोनी में दिनांक 25/7 की 2 घटनाएं हुई थी, जहां पर 2 डेयरी में चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो टीम गठित की गई थी, टीम द्वारा जो है इफेक्टिव कार्रवाई की गई, जो सीसीटीवी फुटेज है और अपने मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोहित डिसूजा नाम का जो व्यक्ति है, इसके द्वारा ये चोरी की घटना अंजाम दी गई है, तो इस संबंध में इसकी गिरफ्तारी की गई है।